नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में कोरोना का संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो बड़ी चिंता का विषय बन गया है और इसको लेकर सरकार अब काफ़ी सजग हो गई है। आपको पता है कि जगह जगह कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन केवल वैक्सीनेशन एक उपाय नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वैक्सीन 100% इलाज नहीं है, ऐसा डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। वैक्सीन के साथ साथ आपको हर तरह की सावधानी बरतनी होगी, तभी जाकर वैक्सीन का असर आपको दिखाई देगा, जिनमें से मास्क का पहनना, सैनिटाइजेशन करना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना आदि शामिल है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं पटना जिले की, जहां पर पूरे बिहार में सबसे ज्यादा फिलहाल कोरोना के केसेस हैं। वहां पर नगर निगम के द्वारा सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, जगह जगह छिड़काव किया जा रहा है सैनिटाइजर का, ताकि कोरोना के खतरे से बचा जा सके, वायरस को नष्ट किया जा सके। तस्वीरें देखिए, राजधानी सहित पूरे प्रदेश में जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर ने आतंक मचाया है, उससे जिला प्रशासन और नगर निगम की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। नगर निगम के द्वारा लगातार शहर को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है, खास करके उन इलाकों में जहां ज्यादा संख्या में मरीज मिल रहे हैं। आज नगर निगम के द्वारा कई वार्डो को सैनिटाइज किया गया है। तस्वीरें देखिए, नगर निगम के जितने भी कर्मी हैं उन्होंने सुबह सुबह सैनिटाइजिंग का काम किया है। दुकान वगैरह बंद है, तब जाकर गली को, पूरे सड़क को सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि जगह जगह पर सैनिटाइजर का छिड़काव हो सके और वायरस की जो मात्रा है वातावरण में वो कम हो सके। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना का प्रसार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। फिलहाल एक्टिव केसेस की बात करें पूरे बिहार में तो 14,695 एक्टिव केसेस हैं और 10 अप्रैल यानी कि, और अगर बात कर लें बिहार में कोविड केसेस की, तो शनिवार के दिन 3,756 नए मामले निकल कर आए थे, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 14,695 हो गई थी। कोरोना के मरीज जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 99,023 सैंपल्स की जांच बीते 24 घंटे में हुई थी और अब तक बिहार में 2,66,923 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं। और बात अगर रिकवरी रेट की करें तो शुरुआत में बिहार की जो रिकवरी दर थी वो 98% 99% हुआ करती थी, लेकिन इसमें भी कमी दिखाई दे रही है। 94.24% हो गया है बिहार का रिकवरी रेट, जिसको देखते हुए अब सरकार भी काफी सजग हो गई है और जगह जगह पर सुरक्षा के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, खासकर राजधानी पटना में, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले हैं, ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए जा रहे हैं और बड़े कंटेनमेंट जोन जहाँ पर ज़्यादा मामले आ रहे हैं निकल कर, वहाँ पर बड़े कंटेनमेंट जोन्स भी बनाए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, सैनिटाइजेशन की तस्वीरें हैं ये, नगर निगम के द्वारा अलग अलग इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये सुबह सुबह की तस्वीर है, नगर निगम के जितने भी कर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बड़े से गाड़ी में सैनिटाइज़र को लोड करके लाया गया है और पाइप के द्वारा इसका छिड़काव किया जा रहा है। गली में जगह जगह पर लोग अगर चल रहे हैं तो उनके वाहनों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि कोरोना का जो संक्रमण है उसको रोका जा सके। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर है वो पटना की है, नगर निगम के द्वारा लगातार शहर को सैनिटाइज करने का काम जारी है, ताकि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोका जा सके। एक बार आपको फिर से बता दें कि फिलहाल बिहार में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 14,695 है, यानी कि बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है एक्टिव केसेस की संख्या में और बीते 24 घंटे में 99,023 सैंपल्स की जांच हुई है। 94.24% बिहार का रिकवरी रेट है। तो बिहार में अलग अलग इलाकों से कोरोना के बहुत ज़्यादा मामले निकल कर आ रहे हैं, जो बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन इन दिनों वैक्सीनेशन को भी युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है और लोग भी कहीं ना कहीं जागरूक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको अस्पतालों के बाहर कोरोना टेस्ट करवाने की भीड़ नजर आ रही होगी। लोग वैक्सीन लेने के लिए काफी चिंतित हैं कि आखिरकार उनकी बारी कब आएगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप ने लोगों को जागरूक कर दिया है और ये जागरूकता बहुत जरूरी भी है, और इसका ही जो नजारा है वो पटना की गलियों में भी देखने को मिला। नगर निगम के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि हर एक इलाके को सैनिटाइज किया जा सके और लोगों को कोरोना के खतरे से बचाया जा सके। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।